हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आज तारीख हो चुकी है 2 अप्रैल और आईपीएल 2021 की शुरुआत में अब बस एक हफ्ते सबसे भी कम का वक्त बाकी रह गया है और ऐसे में आईपीएल 2021 के लिए अब काउंटडाउन की प्रोसेस पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी आईपीएल टीमों के नए कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, खासकर वाइस कैप्टन के बारे में। आप लोगों की कॉमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कौन सी टीम के वाइस कैप्टन हमें कौन नज़र आने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में सभी टीमों के नए कप्तान और उपकप्तान के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लिस्ट में। सबसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। मुंबई इंडियंस टीम की आपको कैप्टेंसी ऑब्वियसली बातें करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा, और इनके वाइस कैप्टन के तौर पर आप लोगों को आईपीएल 2021 में किरण पोलार्ड नजर आएंगे। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जब भी रोहित शर्मा कैप्टेंसी नहीं करते तो किरण पोलार्ड ही हमें इनकी कैप्टेंसी करते हुए नजर आते हैं फील्ड के ऊपर। तो इस बार भी एमआई की टीम से आपको किरण पोलार्ड इनकी वाइस कैप्टेंसी करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। तो सीएसके की टीम की कैप्टेंसी ऑब्वियसली एमएस धोनी करेंगे। अब अगर बात की जाए वाइस कैप्टेंसी की, तो काफी ज्यादा विचार विमर्श के बाद और काफी ज्यादा कंफ्यूजन के बाद फाइनली सीएसके की टीम ने स्टिक किया है सुरेश रैना के साथ ही, यानी कि इस सीजन में भी सुरेश रैना आपको सीएसके की वाइस कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं इस लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। आरसीबी की टीम की कैप्टनसी की बात की जाए तो कैप्टनसी करेंगे विराट कोहली, और अगर वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो यहां पर भी कोई भी चेंज नहीं है, एबी डिविलियर्स ही आपको इनकी वाइस कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। केकेआर की टीम की कैप्टनसी करने वाले हैं ऑयन मॉर्गन, हालांकि पहले मुकाबले में आप लोगों को बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन स्टिल पूरे सीजन में वो केकेआर की कैप्टनसी करेंगे। बात अगर की जाए इनके वाइस कैप्टन की, तो दिनेश कार्तिक आप लोगों को केकेआर की टीम की वाइस कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे। हालांकि एक बार रूमर्स थे कि शुभमन गिल को भी ये बना सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। तो पंजाब किंग्स की कैप्टनसी करेंगे केएल राहुल, जो कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे हैं कि 3 साल तक तो एटलीस्ट कैप्टन रहेंगे। अगर बात की जाए इनके वाइस कैप्टन की, तो निकोलस पूरन को इन्होंने लास्ट ईयर अपनी टीम का वाइस कैप्टन बनाया था, तो इस बार भी वही इनके वाइस कैप्टन रहेंगे। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, जिनके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही बदल चुके हैं। इनकी कप्तानी आप लोगों को करते हुए नजर आएंगे नए कप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने श्रेयस अय्यर की जगह ली थी। और अगर बात की जाए वाइस कैप्टन की, तो शिखर धवन आप लोगों को इस टीम की वाइस कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं इस लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। तो एसआरएच की टीम की कैप्टनसी ऑब्वियसली बातें करते हुए हमें दिखेंगे डेविड वार्नर, और अगर बात की जाए उनके वाइस कैप्टन की, तो केन विलियमसन आप लोगों को सनराइजर्स हैदराबाद के वाइस कैप्टन बनते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं आखिरी टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स की। तो आरआर की टीम भी आईपीएल 2021 में अपने नए कप्तान के साथ उतरेगी, यानी कि संजू सैमसन इस टीम के नए कैप्टन है। अब अगर बात की जाए इनके वाइस कैप्टन की, तो इनके विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर को इनका नया वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया है। तो गाइस, ये थी सभी टीमों के कैप्टन और वाइस कैप्टन की पूरी लिस्ट। ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कॉमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन सी टीम के पास सबसे ज्यादा अच्छा कप्तान और वाइस कप्तान है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।